खार्किव में सीजफायर से पहले गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी को लेकर अपडेट ये आई है कि वहां पर 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसको लेकर हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो गोलीबारी खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पर सीजफायर के ऐलान से पहले हुई है। ये सीजफायर के ऐलान के बाद की गोलीबारी नहीं है, ये पहले हुई है। दोपहर 12:30 बजे से खार्किव में सीजफायर का ऐलान किया गया है, यानी युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये कि जो लोग फंसे हैं, चाहे वो भारत के छात्र हों या दुनिया के बाकी मुल्कों के छात्र या लोग हों, उन्हें मानवीय कॉरिडोर के जरिए बाहर एक सुरक्षित रास्ता दिया जाए जिससे वहां से वो बाहर निकल सके। अब इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीवास्तव सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो बात गीता भी कह रही थी कि जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ रहा है, दबाव रूस पर भी बन रहा है। अगर रूस के रवैये में एक लचीलापन देखने को मिल रहा है, तो क्या वो ये भी समझ रहा है कि उसकी आवाम भी उसकी मुखालफत कर सकती है? गीता के पास चलता हूं। गीता, ये रूस का रवैये में जो बदलाव देखने को मिला है, क्या इसकी एक बड़ी वजह है कि वो भी समझ रहा है कि बढ़ते दिन के साथ उसको भी परेशानियां हो सकती हैं, चाहे वो रूसी आवाम हो, यूक्रेन की आवाम का विरोध हो या बाकी इंटरनेशनल सैंक्शंस? इंटरनेशनल सैंक्शंस है एक बड़ी बड़ी चिंता की बात, लेकिन देखिए जो फ्रेंडली नेशंस है उनसे जो प्रेशर पड़ रहा है मॉस्को पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा नफ्ताली बेनेट गए हुए थे पुतिन से मिलने, इसराइल के प्रधानमंत्री, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये देखना कि नई दिल्ली और बीजिंग क्या कर रहा है। चाइनीज छात्र भी काफी है जो फंसे हुए हैं और उनको भी बाहर निकालने की जरूरत है। तो जितना प्रेशर भारत से बन रहा है उतना ही चीन से भी बन रहा होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं सीज फायर, देखिए ये युद्ध का कंप्लीट एंड नहीं है, ये पीस के और बढ़ता हुआ कदम नहीं है, ये बस एक सीज फायर है कि जितने लोग निकल सकते हैं निकल ले, यानी कि इसके बाद शायद मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जब तक आपके पास सिविलियंस हो किसी भी स्थिति में, तो उनके जान माल की जिम्मेदारी, अगर कुछ भी हुआ उनको, उनकी उसके जिम्मेदार बस पुतिन कहलाएंगे क्योंकि उनके फोर्सेस अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां से खाली हो गए और बस मिलिट्री फोर्सेस रह गए, तो आप समझ रहे हैं कि रूस क्या कर सकता है उस जगह को, उस एरिया में, अगर उनको यूक्रेन को सबक सिखाना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल या मैसेज भेजना है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन और स्ट्रेटेजिक मूव भी है, बस एक प्रेशर्ड मूव नहीं है कि आपने कह दिया। एक छोटा सवाल गीता, मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक और है, एक सवाल, वो ये है कि आज भारत की बातचीत होने वाली है जेलेंस्की से भी, पुतिन से भी। पहले जेलेंस्की से बातचीत है, फिर पुतिन से है। इसमें क्या केवल भारतीय बच्चों को निकालने की बात है या उससे कहीं आगे मध्यस्थता का, जिसका जिक्र यूक्रेन ने शुरुआती दौर में किया था, भारत को इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब बात की, चाहे वो जेलेंस्की से हो या फिर व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के, दोनों से उन्होंने दो चीजें हमेशा साफ साफ आगे रखी। पहली बात, टॉप प्रायोरिटी कि भारतीय छात्रों को निकालना है। दूसरा टॉप प्रायोरिटी है कि आप निगोशिएशन करें, निगोशिएटेड पीस लाए, एक सेटलमेंट लाए दोनों देशों के बीच। ऐसे लड़ाई कर झगड़ा कर या फिर लोगों को मार कर या किसी देश के सॉवरेंटी का उल्लंघन कर कोई फायदा नहीं है, उससे दोनों देशों का नुकसान ही है। तो ये दो चीजें हैं जिस पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्फसाइज करेंगे।